हालांकि अभी तक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर विभिन्न राजनीतिक दल तथा निर्दलीय इच्छुक उम्मीदवारों के बैनर शहर में लगे दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों के मौसम को देखते हुए नागरिक यानी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी जा रही है। अगर आप उनके पार्टी कार्यालय या व्यक्तिगत तौर पर उनसे चंदा मांग रहे हैं तो वे जनता को निराश नहीं कर रहे हैं और चंदा तुरंत दे रहे हैं। चंद्रपुर शहर के हर रास्तों पर आपको बैनर ही बैनर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इच्छुक उम्मीदवारों से आप पूछेंगे कि आपकी सीट इस पार्टी से कन्फर्म हो गई है तो तुरंत वे हाँ कर देंगे। मतदाता भी बड़े ही उहापोह में है कि आखिर टिकट किसको मिलेगी। एक तरफ महायुति गठबंधन है तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी गठबंधन है। अभी तक शीर्ष लेवल पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है कि इस विधानसभा की सीट किसके कोटे में जाएगी, मगर इच्छुक उम्मीदवार पूरी तरह आश्वस्त हैं टिकट उनको ही मिलेगी। किसी कार्यक्रम के एक ही मंच पर आपको सभी इच्छुक उम्मीदवार दिखेंगे। यह है राजनीति का खेल। अब देखना यह है कि इस राजनीति के खेल में कौन बाजी मारता है और टिकट लाता है, क्योंकि किसी बड़े पार्टी की उम्मीदवारी पाना ही एक बहुत बड़ी बात है। यह समाचार लिखे जाने तक चंद्रपुर विधानसभा सुरक्षित सीट के लिए एक अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मात्र मनसे की ओर से मनसे के मनदीप रोडे की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है और वे जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। बाकी इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कौन से उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाती हैं यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। विधानसभा चुनाव पर सीटीवी की एक विशेष प्रस्तुति।